हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं सचिन गड़ौत आपका एक बार स्वागत करता हूँ इस छतरपुर एरिया की नई लोकेशन पर। जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फ्लैट के साइज की बात करूँ 70 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है, जस्ट 30 लाख में फ्लैट ये आपको मिल जाता है। आप कॉलोनी की बात करूँ तो ये JBTS कॉलोनी के अंदर ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। और JBTS कॉलोनी इस एरिया की, छतरपुर एरिया की बहुत ही अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी है। एमिनिटीज की बात करूँ तो कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के बाहर सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं। अगर फैसिलिटीज की बात करूँ गवर्नमेंट की तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आपका एजल गैस पाइपलाइन हो और रोड्स प्रॉपर हैं। तो दोस्तों उसी फ्लैट में लेकर चल रहा हूँ, लास्ट तक मुझसे जुड़े रहें। वहाँ जाकर हम चेक करेंगे किस तरह का वहाँ काम हुआ हुआ है, किस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं फ्लैट। दोस्तों बिल्डिंग के बाहर हम आ चुके हैं, सबसे पहले मैं एलिवेशन दिखाना चाहता हूँ। एलिवेशन काफ़ी अच्छा है इस बिल्डिंग का, इन्होंने ग्लास की रेलिंग लगाई हुई है टफन ग्लास के साथ, एपेक्स पेंट किया हुआ है और वुडन पेंट किया हुआ है, तो एलिवेशन को इन्होंने काफ़ी हद तक ठीक करा हुआ है, काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं फ्लैट में जहाँ हम चेक करेंगे फिटिंग फिक्स्चर। तो फ्लैट के बाहर हम आ चुके हैं, मैं आपको एक फ्लोर बताना चाहता हूँ, ये फ्लोर कौन सा है। ये अभी टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट बचा हुआ है हमारे पास, और इसमें मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि इसमें लिफ्ट नहीं है, बट ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस में JBTS के अंदर कोई फ्लैट नहीं है, पूरे छतरपुर के अंदर कोई फ्लैट नहीं मिलेगा इस तरह की फिटिंग के साथ, इस तरह वर्क के साथ। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कॉरिडोर है, जो जीना है, उसके अंदर भी इन्होंने आपका टेक्सचर दिया हुआ है, रस्टिक का टेक्सचर दिया हुआ है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है। और दोस्तों ज़्यादा टाइम में लेते हुए फ्लैट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले डोर की बात करें तो इसे लैमिनेटेड डोर दिया हुआ है, और डोर काफ़ी अच्छा लगता है, बोथ साइड लैमिनेट लगाई हुई है, दिया हुआ है, चौखट मरंडी की लगाई हुई है विद मोल्डिंग से इसे फिनिश करा हुआ है, तो चौखट का फ्रेम काफ़ी हैवी लग रहा है। दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग के अंदर आ चुके हैं, ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस की बात करूं तो 15x12 का दिया हुआ है। अभी इस फ्लैट में लास्ट कोट रह गया है, अभी छोड़ा हुआ है, जैसी कोई पार्टी शिफ्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग इस पर कोट कराएंगे। फ्लोरिंग की बात करूं, डिजिटल टाइल लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी टाइल लगाई हुई है, डिफरेंट तरह की टाइल लगाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इस फ्लैट को। सीलिंग की बात करूं तो इन्होंने 18 इंची की चारों तरफ कॉर्नर में सीलिंग दी हुई है विद कोव लाइट के साथ, पैनल लाइट के साथ, और बीच में आप देख सकते हैं इन्होंने वुडन पेंट किया हुआ है, जो ऐसे लग रहा है कि जैसे वुडन की क्लैडिंग की गई हो। और वॉल पे अच्छा POP पनिंग करके इन्होंने पुट्टी करके छोड़ा हुआ है, जब पेंट होगा तो वॉल काफ़ी स्मूथ लगेगी। और बात करते हैं कि किचन, इन्होंने ओपन किचन दी हुई है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है ओपन किचन का चल रहा है, क्योंकि आज का आप देख सकते हैं कि हर कहीं मतलब ओपन किचन का सामने देते हैं ड्राइंग डाइनिंग के सामने। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर अच्छी इन्होंने व्हाइट कलर की लैमिनेट लगाई हुई है, हाई ग्लॉस के साथ हैंडल्स दिए हुए हैं SS के, काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी हुई है, काफ़ी यूटिलाइज किया गया स्पेस को। नीचे इन्होंने देखा हुआ तो आपकी सारी बास्केट दी हुई हैं, आपकी थाली बास्केट होगी, क्रॉकरी बास्केट होगी आपकी। और काउंटर टॉप की बात करूं तो ग्रेनाइट का टॉप दिया हुआ है ब्लैक कलर का, और SS की इन्होंने सिंक दी हुई है वॉल मिक्सचर के साथ दी हुई है। इधर अच्छी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, जिसमें नीचे आपकी ओपनेबल पल्ले दिए हुए हैं, ऊपर आपका एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, और चिमनी का पॉइंट आप चाहते हैं तो चिमनी का पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ जो भी माता बहन मेरी यहाँ काम करेंगी उनको सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस बिल्डिंग के अंदर। और दोस्तों इसका एक कॉमन टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। इसमें आपका यही आपका कंसील टैंक दिया हुआ है, वॉल हैंग सीट दी हुई है, ये आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, ये और छोटा टॉयलेट है, इसको यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने बाहर इन्हें आपका वॉश बेसिन दिया हुआ है, जैसे कोई गेस्ट आता है तो आप बाहर वॉश कर सकते हैं। नीचे वैनिटी दी हुई है और टॉप इन्होंने ब्लैक कलर का लगाया हुआ है। टाइल की बात करें, टाइल भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इन्होंने पेंसिल्स दी हुई है गोल्डन कलर की, जो काफ़ी हाईलाइट कर रही है इस टॉयलेट को। अब दोस्तों चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों इसका फर्स्ट बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम की साइज की बात करूँ तो ये 12x10 का बेडरूम दिया हुआ है, काफ़ी स्पेसियस है। इसमें भी फॉल सीलिंग का इन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है, फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी की है, बीच में वुडन की है इन्होंने पेंट किया हुआ है, और वॉल आपको काफ़ी स्मूथ लग रही है। अगर स्विचेस की बात करूँ, सारे आपके पेंटा के स्विच दिए हुए हैं, जो काफ़ी मॉड्यूलर स्विचेस हैं, और इधर एक आपका अटैच टॉयलेट दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 10x4 फिट का ये टॉयलेट है, काफ़ी स्पेसियस है, बड़ी अच्छी हाईलाइट टाइल की है, हाईलाइट किया हुआ है पेंसिल्स के साथ, गोल्डन पेंसिल के साथ, और बहुत ही अच्छे इधर इन्होंने आपका इसे मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इधर आपका बनाया हुआ है, वॉल हैंग शीट है और आपका कंसील टैंक है, इधर वॉल मिक्सचर दिया हुआ है, इधर हैंगिंग आपका वॉश बेसिन दिया हुआ है।
और डोर के साइज की बात करूँ, अप्रॉक्स 27 इंची बाई 8 फीट इसकी हाइट है जो स्टैंडर्ड होती है। फ्लोरिंग सेम लगाई हुई है और इधर अच्छी स्लाइडर वार्डरोब दी हुई है। ऊपर हैंगिंग आपका हैंगर रॉड दी हुई है, ऊपर आपकी लॉफ्ट दी हुई है, दो दराज मिल रही हैं आपको इसमें, और इसमें अच्छी इन्होंने हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाई हुई है। इधर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, दो ओपनेबल पल्ले दिए हुए हैं, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं, तो विंडो मिल जाती है आपको। और यही आपका एक्सेस बालकनी की तरफ जाता है। बालकनी की साइज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्स 15x4 फिट की बालकनी दी हुई है जो काफ़ी स्पेसियस है। और ये ग्लास देख सकते हैं, रेलिंग SS304 की दी हुई है, टफन ग्लास 8mm का दिया है जो काफ़ी हैवी होता है। और फेसिंग की बात करूँ, ये आपका वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, तो फेसिंग काफ़ी अच्छी है इस फ्लैट की। ऊपर भी अच्छी इन्होंने एलिवेशन के देख सकते हैं, एलिवेशन के हिसाब से इन्होंने वुडन पेंट किया हुआ है और सरफेस लाइट दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे एक वॉशिंग पॉइंट दिया हुआ जाते हैं, तो वॉशिंग एरिया आप यहाँ बना सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन लग सकते हैं, वॉशिंग एरिया एज ए यूज कर सकते हैं इसको आप। और दोस्तों चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। और दोस्तों JBTS में आने के दो रास्ते मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, दो रास्ते हैं। आप चाहते हैं तो DLF फार्म हाउस के अंदर से भी आ सकते हैं, और आप नंदा हॉस्पिटल से पहले एक रास्ता जा रहा है सुमन चौक से होता हुआ आता है, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। आपको दो रास्ते मिलते हैं इस कॉलोनी में आने के, और सारी आपकी जो मैं करूँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपके JBTS के बाहर ही मिल जाते हैं, जो आपको मेट्रो तक ड्रॉप करते हैं। और मेट्रो यहाँ से अप्रॉक्स आपकी 2 से 2.5 किलोमीटर है, जो काफ़ी नियर बाई है, तो कॉलोनी काफ़ी अच्छी है जिनको ग्रैप करें। अब हम आ गए सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम की बात करूँ तो अप्रॉक्स 12x12 का बेडरूम है, काफ़ी स्पेसेस दिया हुआ है, चारों तरफ इन्होंने 18 इंची के पट्टे के साथ सीलिंग की गई है, और इसमें अच्छी विंडो दी हुई है लाइट और एयर वेंटिलेशन के लिए, ओपनेबल पल्ले, ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन दिया हुआ है, अच्छी वार्डरोब दी हुई है, स्लाइडर आप देख सकते हैं इसमें, हैंगर रॉड सब कुछ दिया हुआ है। और ये डोर अभी लॉक्ड है, तो आप ये भी इसका एक्सेस बालकनी की तरफ है, तो बालकनी की तरफ दोनों डोर के ओपन होते हैं, दोनों बेडरूम के डोर। तो फ्लैट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है। अब बात करूँ इसके कवर्ड एरिया की, तो अप्रॉक्स 65 स्क्वायर यार्ड में ये कवर्ड एरिया इसका पड़ेगा। प्रॉपर्टी की टाइटल की बात करूँ तो ये GPA का लैंड है, तो यहाँ पे फॉर द टाइम रजिस्ट्री नहीं है, बट कॉलोनी रहने के लिए काफ़ी अच्छी है, और फ्लैट काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है, क्योंकि 30 इसकी आस्किंग प्राइस है, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो जाती है। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस फ्लैट के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे सस्ता घर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपनी विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सेफ रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए। तो मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा नए प्रोजेक्ट पर नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।